हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मथुरा की नगरी के राधे राधे। आठ महीने का टॉर्चर, सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हो, गुरुद्वारा गए हो, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहां से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषक का शिकार हो गया हूं, पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, वो मेरा ऑर्डर ले आना, जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एक एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है डॉक्टर कफील ने, हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ जरूर है, NTCA के खिलाफ बोला है, NRC के खिलाफ बोला है, पर ये भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के अहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबसे भाई मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया, STF की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का, मैं कहां से पाउडर बना लूंगा, कोरोना की बात कर रहे हैं क्या, तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया, अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया, फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे, वो 9 महीने का BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था उसको, उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा, पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है, जीना था, उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई, आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। हाँ आसिफ भाई, तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मथुरा की नगरी, कृष्ण जी की पवित्र नगरी में रह के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से
भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, यही धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे, 9 बजे से 10 बजे तक हर रोज आता था, लॉकडाउन के टाइम भी। तो उसमें भी जो उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को जब एक बात कही थी, जब उन्होंने धनुष उठा लिया श्री लवकुश के खिलाफ ही, तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया, बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था? सॉरी, लोग फोन कर रहे हैं, फोन नहीं कीजिए कोई भाई, मैं कुछ देर बात कर लूं, बहुत दिनों बाद 8 महीने बाद आपसे। राकेश चौधरी साहब थैंक, शुक्रिया। वैभव पाठक थैंक यू यार, थैंक यू। इमरान खान साहब सलाम अलैकुम, आई लव यू टू। तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बाल मत करो, इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया, और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है, क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक एक घर में चार चार लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं, जैदू भाई जी तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, 2 गज की दूरी रहो कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। कितने माइग्रेंट बेचारे चलते चलते गए, ट्रेनों में दब गए, गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी के जी के दोस्त ट्रंप साहब और ये इंडिया फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिछा के बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआ, लोगों की मतलब पेशाब की महक, अरे एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट, किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है, पूरी पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी, शेखर जी, मैं हायस कर रहा हूं अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा, वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी। तो मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जो
11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था। आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब बीआईडी में 70 बच्चे मरे थे और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया, और जब 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बू जान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और करा दूं, एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, इतना अच्छा ऑर्डर गोविंद माथुर साहब ने। किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा, वरना तो हाईकोर्ट में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, हर 14 दिन पे कैसे एक एक दिन कटेगा, एक एक घंटे कटेगा, ये सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बाहर निकल पाऊंगा, तब मेरी जज मेरी कोई बात सुनेगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई, और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुनाओ। और मैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि MBBS करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी, एक साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द पेटिशनर एंड हिज अदर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर कंटिन्यूसली हरास्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर बाय सेवरल मींस। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहां पे जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पे। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम AMU के, जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में, कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने दो धर्मों के बीच, दो रिलीजन के बीच एनमिटी, हेटेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश के अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो बीआरडी में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और HIV का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन
हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना, आज कह रहे हैं हम इतना जीडीपी खर्चा करेंगे, 1% जीडीपी खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयां दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया इस कोरोना टाइम के। मैं जब रियली काम कर सकता था, शायद कोई नई दवा खोज सकता था कोरोना के खिलाफ, शायद कोई नई वैक्सीन खोज सकता था, टीका खोज सकता था, उस वक्त जेल में डाला। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूंगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं, कैसे जिंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है बता नहीं सकता। पर लड़ा, कहते हैं ना इस जुल्म की दौर में जुबा, कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो बोलना जरूरी है, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी, तो शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना है। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूंगा कि सबसे पहले बिहार, असम, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब बाढ़ का पानी चला जाता है। पिछली बार हम लोग केरल और असम और बिहार में हम लोगों ने बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि बाढ़ का पानी बीतने के बाद बहुत सी बीमारियां आती है, महामारी आती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, कालरा, स्किन डिजीज, चमड़ी की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कान बहना बहुत होता है, उस पर काम करना चाहूँगा। कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा अगर योगी जी की कृपा होगी, नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर रिसर्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा ईजाद हो पाए जिससे हमारा देश की और किसी की मौत ना हो। बढ़ता जा रहा, हर रोज हजार लोग मर रहे हैं, एक का भी मरना बहुत खतरनाक बात है। जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही वो जानता है, एक भी मौत होती है, और यहाँ तो सब 60-65 हजार लोग मर चुके हैं। उस पर काम करना चाहूँगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊं, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूंगा, अपने आप को वॉलंटियर करूंगा मैं, ये मेरी नई योजना है। अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं, अभी तक मिल नहीं पाया हूं। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुंच गया था हाईकोर्ट का, डीएम अलीगढ़ को हाईकोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी तो चार दिन तक कोर्ट के आदेश के, दो बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे, इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर NSA लगा दी। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैं टेररिस्ट हूँ क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूँ? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस पर इल्जाम लगाओगे? इल्जाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं।
अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। यादव जी, जी सही कह रहे हैं, मिनास गली आजाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मोहन चंद सिंह, चौधरी समर साहब, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी। मैंने उस वक्त 19 मार्च को ही लिख दिया था कि 30 से 40 लाख लोग उस वक्त मैंने एस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे, और ऑलरेडी 30 से 40 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, और अभी ये रुकेगा नहीं, अभी ये एक साल चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। अभी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जहां बहुत पॉपुलेशन है, वहां ये फैलने वाला है और बुरी तरीके से। हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमें मिल के काम करना पड़ेगा, हमें मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है, आप सबका बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जी सहसाल साहब, जी पांडे साहब, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे राधे। कृष्णा की नगरी में हूँ, वृंदावन जरूर जाना चाहूँगा एक बार ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। बात यहाँ पे लोग मन की बात करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं। अब आप देख लीजिए, हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं पिछले 3 महीने से सुशांत सिंह राजपूत को ही सुने जा रहे हैं। भाई फोन न करो, फोन करने के वजह से बार बार पॉज हो जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की 3 महीने से लगातार टीवी पे बात किए जा रहे हैं, मन की बात, लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है, और हमारा जीडीपी जो है, भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूं, पर ईश्वर चंद साहब कोई फोन ना कीजिए प्लीज। कुछ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूं, आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे, शमसुल मलिक साहब, नूर खान, रेहान खान साहब, आदित्य राज साहब, अफ्ताब, तो आप सबसे बात करना चाहूंगा, फोन ना करें। तो मैं कह रहा था कि जो मेन बातें हैं टीवी पे डिबेट जो होती है वो नहीं हो रही है। शायद कुछ टीवी एनडीटीवी है, या आपका मिरर नाउ है, टाइम्स नाउ है, या फिर इंडिया टुडे है, इस सब पे हो रही होगी, पर जो यहां पे बातें हो रही हैं वो ये नहीं हो रही हैं किस तरह से माइग्रेंट हमारे करोड़ों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए, उस धूप में, कड़ी धूप में मर गए। ये बात नहीं हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, लोगों को नौकरियां नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है। 500 रुपया आपके अकाउंट में डाल दिया गया है, अब आपको 3 महीने तक 500 रुपया चलाइए। 5 किलो चावल दे दिया गया है, आप पूरी 8 लोगों की फैमिली है, खाते रहिए 3-6 महीने तक। बात जो है रियल इशू पे होगी ही नहीं, एजुकेशन पे होगी ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे होगी ही नहीं, हेल्थ पे होगी ही नहीं। हमारा जो कोई भी आप हॉस्पिटल देख लीजिए क्या हालत हो गई है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। आपने ध्यान दिया है, कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हेल्थ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग वेदांता में जाके इलाज करा रहे हैं। वेदांता यानी कि नोएडा में करोड़ों रुपए का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हालत खराब है, वहां गरीब जाएगा, गरीब मरेगा, और गरीब मरता है तो मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, उल्टा लपटा रात को डंडे से मारो, गांड लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि
डरना नहीं है, आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। उसको तुम जो है उस पे एनएसए लगा देते हो, हैं? कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनएसए लगा है, सारा अवैध लगा है। देखो कि क्या हालत बनाई है। बट्टी साहब आप बोल रहे हो तो देखो क्या हालत बना दी है। मैं कुपोषण के लिए वो कर रहा था, ये देखो ये टांगे हैं मेरी, ये हाथ है, खाना जो है जिंदगी का, जो मैं खुद कुपोषण का बच्चों का इलाज किया करता था, आज खुद कुपोषित हो गया। घर वालों को किस तरह से परेशान किया गया है वो बता नहीं सकता, पर आप लोग जो 138 करोड़ देशवासी हैं मेरे, उन सबका साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं। खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे, इंदिरा जयसिंह मैम, फुजैल अयूबी, एबाज साहब, मनोज सिंह, मनोज पांडे, मनीष सिंह, मनीष सिंह एडवोकेट मनीष सिंह, दिलीप कुमार साहब, नजरुल इस्लाम साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, मीनाक्षी शुक्ला मैम, इरफान गाजी, हाँ अलीगढ़ के इरफान गाजी साहब, तो बहुत से लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं, बहुत से लोग हैं, 138 करोड़ लोग हैं, सबने बहुत मदद की है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी बिहार आ रहा हूँ और जल्दी हम डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के तहत कैंप लगाएंगे और इस बार एक बड़ी टीम बना के एक साथ कई जगह पे, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ पे, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पे बाढ़ ने, पश्चिम बंगाल जहाँ पे तूफान आया हुआ है, अभी भी लोगों को घरों पे टूटे हुए पड़े हैं, हर जगह जाना चाहूँगा, पूरा देश जाना चाहूँगा, पूर्वांचल अपना गोरखपुर, अपना उत्तर प्रदेश, हर जगह जाना चाहूँगा, पूरा भारत में टीम बना के हम इस बार एक बड़े लेवल पे कैंप करेंगे और इसमें आप सबका बहुत सहयोग चाहिए। मयंक वर्मा साहब, आप कुछ लोगों से बातें कर लेता हूँ। मयंक वर्मा साहब सही कह रहे हैं, दाढ़ी का कल काट दूंगा, बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे आ जाएं एक बार उनसे मिल लूं, उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी। अवनीश चौरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, पर जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियाँ आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूँ, किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। जुबेर नहीं, जुबेर पीके साहब बोलना ज़रूरी है, बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, सब तो चुप हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। जैदू साहब, आपने वहाँ से बैठ के, हाँ, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, यूएस से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहाँ पे जेल में, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। सत्या शेर साहब, शेर खान साहब, सत की जीत होती है सतमेव जयते। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना है और उसी की वजह से मैं बाहर आया हूँ। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कब्जे में करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सही नहीं है। ऑटोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समझ गए, तो बोलना ज़रूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी।
तुर्तमस शिरोम कुमार साहब, यस थैंक यू। साइना मुजरबिया सिदांशु कुमार, हाँ कुछ दिन एक्सरसाइज करूँगा और हेल्थ बनाऊँगा, क्योंकि जिंदा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। डेरिक कुजर, थैंक यू, या ज़रूर मैं करूँगा। हाँ थैंक यू सुभान जमाल साहब। मोहम्मद कलापट्टी फ्रॉम दुबई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत प्यार आया, बहुत मिला है, केरल के लोगों ने बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरा साउथ ने, पूरा नॉर्थ ने, पूरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, असम में जिस तरह से आंदोलन चला, अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ, चूँकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बातें हो रही थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चे मेरे पास पहुँचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, सीरियसली रोना चाहता हूँ। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, हर दो घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब भी 146 कैदी नसर नमहबंदी सकुशल हैं, 6 बजे सुबह 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है, आप लोगों को शायद मिलना होगा। चंद मित्रा साहब थैंक यू, मुदस्सी साहब, बुशरा, दीपक जादव, अमजद पंडित जी, तैयब खान, रोहित, शुभम, जयप्रकाश चाचा, ब्रिजेश सिंह की बड़ी याद आई जो गोरखपुर में थे, योगेश सिंह जी, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजम खां आपको भी फूल, गुलाब का फूल। आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके अलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास, पैर पकड़ के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके बिना शायद, जो ट्विटर में मैंने सुना 12 लाख लोग एक बात हो गए हैं। ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है, डॉक्टर DRKFEEL खान करके है, उसको बैन किया हुआ, उसके लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। ट्विटर अकाउंट क्यों बैन किया है, ऐसा क्या कर दिया था? अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है कि या जी सन्नी प्रजा सिंह कि ये इलीगल था। जस्टिस प्रिवेल, यस अमित सोहेल साहब, मोहम्मद गयूर, कहिशी, दिनेश कुमार यादव।